खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। पुर के रामगंज में सैंपल कलेक्शन से जुड़ी हुई अहम खबर है। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने स्थिति को साफ किया है। रामगंज समेत प्रदेश में सैंपल कम लेने को लेकर कहा कि इस तरह की बातें भ्रामक हैं। सभी जगह लगातार सैंपल लिए जा रहे हैं। पूरे देश में राजस्थान में लिए गए रिकॉर्ड सैंपल हैं और जो बातें ऐसी फैलाई जा रही है वो भ्रामक है कि सैंपल कम लिए जा रहे हैं। ये कहना है रघु शर्मा का। देखिए, जिस तरह से राजस्थान ने कोरोना को कंट्रोल करने के लिए एफर्ट्स किए हैं उसी का परिणाम है कि 14 तारीख तक जिस गति से संक्रमण प्रदेश में फैल रहा था, अगर वही गति से अब तक चलता, आज 27 तारीख है, तो ये कोरोना के पॉजिटिव केसेस की संख्या लगभग 4000 हो जाती। ये हमारे एफर्ट्स की वजह से ग्राफ डाउन हुआ है और ये संख्या 2234 आज 2 बजे तक की प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार रह पाई है। उसमें भी सबसे बड़ा सिग्निफिकेंट बात यह है कि हमने 669 लोगों को पॉजिटिव से नेगेटिव कर दिया और 313 लोगों को डिस्चार्ज कर दिया है। अब इसमें इवेक्यूज भी है जो ईरान से एयरलिफ्ट करके लाए थे, 61 लोग वो भी हैं, 2 इटालियन भी हैं। तो हमारे यहाँ जो पॉजिटिव केसेस की संख्या बढ़ी है उसका कारण है कि 2 मार्च को जब पहला केस आया था तब यहाँ हमारे पास टेस्टिंग फैसिलिटी थी नहीं, हमने पुणे भेजा स्वाब को टेस्टिंग के लिए। उसके बाद मुख्यमंत्री जी ने कहा यही टेस्टिंग फैसिलिटी डेवलप होनी चाहिए और आज हम 5584 टेस्ट पर डे कर सकते हैं। ये कैपेसिटी हमारी बढ़ी है और आने वाले 4-5 दिनों में 10,000 टेस्ट पर डे राजस्थान करने लगेगा। हमारी आरटीपीसीआर मशीनें 4 जगह चली गई है। 2 जगह पे एग्जिस्टिंग जो संख्या थी उदयपुर और अजमेर में, उससे ज़्यादा आरटीपीसीआर मशीनें और भेजी है ताकि वहाँ जांचें ज़्यादा हो। कोबोस मशीनें जोधपुर और जयपुर के लिए हमने कोबोस 8800 ये मशीनें प्रिक्योरमेंट के लिए लिखा है। इनसे दोनों तरह के आरएनए एक्सट्रैक्शन और आरटीपीसीआर टेस्ट दोनों हो सकेंगे और 3000 से 4000 टेस्टिंग कैपेसिटी हमारी इन मशीनों से बढ़ जाएगी। आरयूएचएस को कल आईसीएमआर ने परमिट किया है, वहाँ 250 टेस्ट कर पाएंगे। अभी 1000 की वहाँ भी टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ा देंगे। भीलवाड़ा को आईसीएमआर ने कल ही परमिट किया है, तो टेस्टिंग कैपेसिटी भी हम बढ़ा रहे हैं। और राजस्थान में जो टारगेट मुख्यमंत्री जी ने दिया है, हर जिले में आने वाले समय में हम टेस्टिंग फैसिलिटी डेवलप करें, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेट में इतना सुदृढ़ हो जाए, सब सेंटर से लेके पीएससी सीएससी एसडीएच और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज से जुड़े हुए अस्पतालों में इक्विपमेंट की कमी नहीं रहे, हर प्रकार की चिकित्सा सुविधा वहाँ मौजूद हो, पैथोलॉजी की लेबोरेटरीज वहाँ इतनी मजबूत हो कि जो हम निःशुल्क जांच योजना हमारी चल रही है प्रदेश के अंदर, उस जांच योजना के अंतर्गत सारे टेस्ट वहीं पे हो जाएं। तो इस तरह से राजस्थान ने जो एक माइलस्टोन कायम किया है, इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने तारीफ की है और हम आगे निरंतर करते रहेंगे ये सब चीज़ें, क्योंकि ये जो अवसर हमको लॉकडाउन का मिला है या इसमें हम हमारी मेडिकल जो सुविधाएं हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की उसको मजबूत करें। दूसरी पॉइंट आउट की थी आज प्रधानमंत्री जी ने कि भाई हम दूसरी बीमारियों के लोगों को छोड़े नहीं, उनके पर भी पूरा ध्यान देने की ज़रूरत है। अभी मौसम आधारित बीमारियां आती है और क्रॉनिकल डिजीज है, उसके लिए ऑलरेडी जो मुख्यमंत्री जी ने स्टेप उठाए हैं 400 मेडिकल ओपीडी वैन्स पूरे राजस्थान में हर सब डिविजनल मुख्यालय पर पहुँच गई हैं वो, और उनका सिस्टम इतना शानदार किया है, हज़ारों लोगों को रोज़ लाभ मिल रहा है उसका और भी जो